हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सोहना हरियाणा में। और आज जो मैं आपको दिखाने लाया हूं ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और ये पूरी तरीके से मालगाड़ी के लिए बनाई जा रही है रूट। उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट हो रहा है और जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक। अब आप सोचोगे कि दादरी से क्यों? क्योंकि दादरी में एनसीआर का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, तो उस कंटेनर पोर्ट से ये स्टार्ट होगा और जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि अपने देश का वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट है। और उसके बाद समुद्र मार्ग के जरिए आप अपने सामान को कहीं भी भेज सकते हैं। इंडियन रेलवे को 75% जो रेवेन्यू आता है वो आता है मालगाड़ी के जरिए। अभी क्या है, इंडियन रेलवे से सामान सबसे सस्ते में आप भेज सकते हो कंपेयर टू ट्रकों के या कंपेयर टू प्लेन्स के। लेकिन होता क्या है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, तो इसी वजह से एक अलग लाइन बना रहे हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी दौड़ेगी, और वो भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जिससे होगा यूं कि आपका सामान तय वक्त पर इंडियन रेलवे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी। और इंडियन रेलवे को क्या फायदा होगा, इंडियन रेलवे की रेवेन्यू और बढ़ेगी, हमें आपको क्या फायदा होगा। तो देखो अभी क्या है, पैसेंजर गाड़ी और मालगाड़ी दोनों एक ही ट्रैक पे दौड़ते हैं, तो इसलिए होता क्या है, पैसेंजर को भी स्लो होना पड़ता है, मालगाड़ी को तो होना ही पड़ता है। लेकिन जब ये मालगाड़ी के लिए अलग ट्रैक बन जाएगा तो पैसेंजर के लिए भी एक अलग ट्रैक हो जाएगा, तो फिर हम आप भी तय वक्त पे अपने गंतव्य को पहुंच सकते हैं पैसेंजर ट्रेन के जरिए। इसका ऑलमोस्ट 60% का जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है और उस पर आपको ट्रेनें दिखती है। इंडियन रेलवे ने फाइनेंशियल ईयर 2023 अप्रैल से लेकर सितंबर तक तकरीबन हर महीने 10% का ग्रोथ दर्ज किया है माल ढुलाई में। जहां पर मैं आज आपको लेकर आया हूं, इसे कहते हैं दादरी रेवाड़ी सेक्शन। दादरी इस तरफ है, रेवाड़ी इस तरफ है, और आज इसी का काम दिखाने वाला हूं। वैसे इस जगह पर देखोगे तो आपको 3 किलोमीटर लंबा पूरा एलिवेटेड पार्ट दिखेगा, और एलिवेटेड पार्ट यहां पर इसलिए बनाया गया है क्योंकि आगे एक रोड है जिसे कि कहते हैं सोहना रोड। उस रोड को ये क्रॉस कर सके और आगे यहां पर अरावली हिल्स है, उनको चीरते हुए आगे की तरफ जाएगा, और फिर यहां पर एक सुरंग बनाया गया है जो कि दुनिया का सबसे पहला डबल डेकर मालगाड़ी के लिए सुरंग होने वाला है, वो भी इलेक्ट्रिकल। तो ये सब आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस जगह पर दिखाता हूं एलिवेटेड पार्ट के ऊपर। तो यहां पर ये जो पिलर्स के ऊपर पूरा इसका हिस्सा बनाया गया है, ये बनकर तैयार हो चुका है, उसके ऊपर ट्रैक डालने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये जो देख रहे हो यही है ट्रैक, इन ट्रैकों को यहां पर डालने का काम जो है वो किया जा रहा है। ये ट्रैक यहां पर इसलिए रखे गए क्योंकि आगे जो अरावली हिल्स का एरिया है उस जगह पर ट्रैक डालने का काम अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, तो वहां पर इसको लेकर जाया जाएगा और फिर इन ट्रैकों को डाला जाएगा। ये जो अरावली हिल्स है, इससे पहले अगर आप देखोगे तो एलिवेटेड पार्ट के ऊपर पूरी तरीके से जो काम है कंस्ट्रक्शन का वो कंप्लीट हो चुका है, ट्रैक डालने का भी काम कंप्लीट हो चुका है। और इस जगह पर नजारा अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही कमाल का है। और जरा कल्पना करो दोस्तों, इस जगह से डबल डेकर मालगाड़ी जब गुजरेगी क्या दृश्य होगा। ऐसे इस पूरे रूट पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी, लेकिन इस एलिवेटेड पार्ट पे 100 ना भी दौड़े, मान लो 60 ही दौड़ ले, तो भी नजारा बड़ा ही अच्छा होगा, और वो नजारा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि बहुत जल्दी ये वाला जो रूट है ये स्टार्ट होने वाला है दादरी से लेकर रेवाड़ी का जो पार्ट है। इसका जो ट्रेन होने वाला है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल होने वाला है, इसी वजह से देखेंगे तो आपको यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के ये खंभे नजर आएंगे जो कि यहां पर इंस्टॉल तो कर लिए जा चुके हैं, इस पर अभी वायरिंग का जो काम है वो नहीं किया गया है। और इस जगह पर वैसे मेजरली जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना वो कंप्लीट कर लिया है। इस जगह पर कंपनी जो यहां पर काम कर रही है वो है L&T। तो चलो मैं आपको इससे आगे की तरफ लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि यहां पर जो अरावली हिल्स है उस जगह पर क्या कुछ काम किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन का, और साथ ही साथ जो इसका टर्नल बनाया गया है उस पर क्या कुछ काम किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक चीज और दिखाता हूं, ये देखो। वैसे आप सोचोगे कि ये रिमोट कंट्रोल से चल रहा होगा, है ना, एक पायलट होगा जो कि कंट्रोल कर रहा होगा इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये इंडियन जुगाड़ से चलता है।
सोना रोड को जैसे आप क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपको दिखेगा कि ये जो एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा है ये जाकर कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर जो अरावली हिल्स है उस पे। और अरावली हिल्स पे अगर आप देखोगे तो पहाड़ों के बीचों बीच से तो नहीं जा रहा, साइड से होकर निकल रहा है। इसी वजह से यहाँ पर जो थोड़ा सा हिस्सा काटना था पहाड़ का, उसको काट कर फिर यहाँ पर ट्रैक डालने का जो काम है वो अब किया जाए, क्योंकि पहाड़ की कटिंग का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ट्रैक डालने की तैयारी की जाएगी। इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा दुनिया का सबसे ऊंचा अर्थवर्क का काम, यानी कि मिट्टी को डालकर यहां पर ट्रैक बनाया जा रहा। और ये मिट्टी तकरीबन 6 फ्लोर इतना ऊंचा यहां पर डाला है और फिर उसके बाद ट्रैक डालने का यहां पर काम किया है। और इसी वजह से ये दुनिया का सबसे ऊंचा अर्थवर्क का काम है। और ये हाइट इतना इसलिए किया है क्योंकि आगे जो सुरंग बनाना है ना उसके हाइट को मैच किया जा सके और यहां पर ट्रैक डाला जा सके। वैसे तो सुरंग से पहले आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ज्यादातर अर्थवर्क का काम ही किया गया है, मिट्टी को डालकर फिर ट्रैक डालने का काम। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट आपको दिखेंगे जहां पर पिलर्स भी बनाए गए हैं, और वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि बारिश के दिनों में यहां पर जब पानी का कटाव होगा पहाड़ों से तो मिट्टी जो है वो ना बहे, और इसी वजह से पिलर्स का यहाँ पर सहारा लिया गया है और फिर इन पिलरों के ऊपर ही ट्रैक डालने का जो काम है वो किया जाएगा। और इस जगह पर बरसात के दिन में हम और आप ऐसे चल नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश अच्छी खासी होती है, तो उसकी वजह से ये जो जगह जहाँ पे मैं भी वॉक कर रहा हूँ ना भाई, यहाँ पर पानी भर जाएगा पूरा। हाँ, तो चलना इतना आसान होगा नहीं, लेकिन फिलहाल तो अभी आसान है चलना इस जगह पर। आपको दिखाना भी कि इस जगह पर काम बहुत सारे किए जा रहे हैं। चलो अब हम और आप इस तरफ चलते हैं कि इसी तरफ हमें और आपको इसका टनल देखने को मिलेगा, तो देखते हैं कि उस टनल में कितना कुछ काम हुआ है। टनल से पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो एलिवेटेड पार्ट है जो कि आखिरी हिस्सा है जिसकी मदद से ये कनेक्ट हो जाएगा इसका हिस्सा टनल से, उस जगह पर अभी काम किया जा रहा है। पिलर को कनेक्ट करने का काम किया जाना है अभी, और साथ ही साथ यहाँ पर फ्लोरिंग का जो काम है वो भी किया जाना है। तो इस जगह पर देखोगे तो यहाँ पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, और इस जगह पर देखोगे तो अभी यहाँ पर पिलर को कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जाना, और इस पॉइंट पर भी। उसके बाद यहाँ से ये हिस्सा हो जाता है टनल का। टनल का काम बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका था, टनल से पहले अब ट्रैक डालने की तैयारी यहां पर की जा रही है। टनल वाले हिस्से पे भी आपको ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा, जिस ड्रेनेज सिस्टम की मदद से बरसात का जो पानी है वो आसानी से नीचे आ सके ट्रैक से, उसका भी निर्माण यहां पर कर लिया जा चुका है। और यहां पर व्हीकल आपको दिखेगा इस वक्त पे जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, और वो यहां पर कर रहे हैं तैयारी ट्रैक डालने की। इसी हिस्से पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा, अदरवाइज इससे पहले ये पूरा जो हिस्सा है इस पे तो कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है, ट्रैक डालने की तैयारी की जानी है। ये था अपडेट आज का इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सोना से। अगली बार मैं आपको मिलूंगा इससे आगे, क्योंकि इससे आगे ये केएमपी एक्सप्रेसवे के नीचे से होकर गुजरे गए तो वो हिस्सा भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा तावरू का पार्ट, क्योंकि वो वाला हिस्सा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और वहां पर रेवारी से लेकर तावरू तक जल्दी सर्विस स्टार्ट होने वाली है। तो अगला अपडेट आपको WDFC का सीधा तावरू से मिलेगा। तो चलो भाई आज के तो बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।